आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बारकोड और बारकोड को कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि बारकोड और बारकोड को बनाना काफ़ी मुश्किल का काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बारकोड और बारकोड को बहुत ही आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी बना सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप बारकोड को बनाएंगे, जनरेट करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप बारकोड को बनाएंगे और उसको जनरेट करेंगे। काफ़ी सारे लोग ये सोच के टेंशन ले लेते हैं कि बारकोड और बारकोड को बनाना काफ़ी मुश्किल का काम है, काफ़ी टफ काम है, लेकिन ये बहुत ही इजी है, ये आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, जहाँ पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से उस एप्लीकेशन से आप बारकोड को बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बताऊँगा कि किस तरीके से आप बारकोड को बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बारकोड का इस्तेमाल आजकल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आप जाते हुएगा शॉप पे, मॉल पे या कोई भी बड़ा होटल वगैरह में, तो वहाँ पर देखते हुए कि बारकोड लगा रहता है और वो बोलता है कि आप बारकोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ प्रोडक्ट में भी आपको देखो बारकोड मिलता है। तो काफ़ी सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि बारकोड और बारकोड को बनाना बहुत ही टफ काम है, बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बारकोड और बारकोड को बनाना बहुत ही आसानी है। मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जहां से जाने के बाद बहुत ही आसानी से आप उस एप्लीकेशन पर जाके बहुत ही इजी तरीके से आप बारकोड को बना सकते हैं। बारकोड को 1948 में बनाया गया था, जबकि न्यू टेक्नोलॉजी पे 1994 में बारकोड को बनाया गया था। बारकोड में आप सिर्फ नंबर को ही रख सकते हैं, इसके अलावा आपको बारकोड में कुछ भी नहीं आएगा। जबकि आप बारकोड में कोई भी मैसेज हो गया, वाईफाई का नंबर हो गया, व्हाट्सअप का नंबर हो गया, कोई मैसेज करके टाइप करके भेजना चाहते हैं उसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो गया जिसमें आपको जनरेट कर सकते हैं बारकोड में, और उसको जिसको किसी पर्सन के पास भेजते हैं तो वहाँ पर उसको रीड करके आप क्या लिखे हुए हैं, क्या भेजे हुए हैं, बहुत ही आसानी से उसको आप स्कैन करके उसको पढ़ सकता है। जैसे वाईफाई का पासवर्ड हो गया, अगर आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं तो इसको आप बारकोड में जनरेट कर दीजिए, उसको भेज दीजिए और वो बहुत ही आसानी से उसको स्कैन करके उसको देख सकता है कि आप क्या बारकोड में भेजे हुए हैं। इसी तरीके से आप ईमेल आईडी भेज सकते हैं, वो अपना मोबाइल नंबर भेज सकते हैं, कोई मैसेज टाइपिंग करके आप भेज सकते हैं, बारकोड उसको जनरेट कर दीजिए बना के, उसको भेज दीजिए, वो वहाँ पर स्कैन करेगा, बहुत ही ईजिली तरीके से उसको देख सकता है कि आप क्या भेजे हैं। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बारकोड को बनाएंगे। बहुत सारे लोग जो है ये सोचते रहते हैं कि बारकोड और बारकोड को बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आप बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है बना सकते हैं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाया जाता है इसका चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हैं, या आप इसको प्ले स्टोरी से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो है बारकोड जनरेटर है, मैं इसको पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप भी डाउनलोड कीजिएगा, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा कितना बढ़िया ये एप्लीकेशन है। डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे, ओपन होते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ जो आपको बारकोड है बना हुआ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ढेर सारा फॉर्मेट मिल जाता है, जिस फॉर्मेट में अपना बारकोड को आप जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इतने सारे फॉर्मेट है, तो आप जो भी में बनाना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन में बनाना चाहते हैं आप इसमें बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ लॉक लगा हुआ, तो ये पेड वर्जन है, आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए इतने सारे जो है कुछ पैसे वाले हैं, कुछ फ्री है, तो आपको जो अच्छा लगता है इसमें से आप परचेज कर सकते हैं या फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए वाईफाई का भी बना हुआ, तो आपको यही आप इसको यूज कर सकते हैं, ये फ्री वाला है। इसके अलावा और भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे बगल वाले पे, और यहाँ पर देखिए इतने सारे फॉर्मेट में अपना बारकोड जो है बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देखिए इतने सारे फॉर्मेट में आप जो है बारकोड को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा प्लस वाला जो आइकन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप गैलरी से भी चूज कर सकते हैं, तो यहाँ गैलरी में से भी जाके आप जो भी
वहीं पे आप अपना जो बार कोड बनाना चाहते हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्लेन का लेता हूँ, मैं प्लेन वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए प्लेन आ चुका है ऊपर में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे अपना जो है प्लेन में भी अपना जो लोगो डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इसके बगल वाले में जो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए इतने सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, इस फॉर्मेट में भी अपना वायर कोड को आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और ढेर सारा भर भर के ऑप्शन मिल जाता है। इसमें कुछ पैसे वाला या कुछ फ्री है, जो आपको लॉक नहीं लगा हुआ है वो फ्री है, जो लॉक लगा हुआ है वो उसको आप परचेज करना पड़ेगा। तो जो फ्री है उसको यूज कीजिए, क्या जरूरत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्री वाला आपको इतना सारा मिल जाता है फॉर्मेट, इसमें से आप यूज कर सकते हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वायर कोड बनाएंगे तो आप ब्लैक ही बनाएगा, क्योंकि वायर कोड ब्लैक में ही ज्यादातर होता है। नहीं तो फिर आप अपना हिसाब से इसमें से आप जो ही लेना चाहते हैं उसको पे क्लिक कीजिएगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कलर वाला मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो है सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी लिखिएगा और जनरेट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ये प्लेन पे आपका वायर कोड यहाँ पर देखिए इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। या सिंपली आप इसमें से ही चूज करना चाहते हैं तो इसमें से भी आप कोई चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं बल्ब वाला पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर बल्ब वाला सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ आप बल्ब ही रख सकते हैं, या इसके अलावा इसमें से भी अगर आप कलर चाहते हैं तो जो भी कलर पर क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ अपना जो भी लिखना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पे जिसमें हेलो लिख देता हूँ और यहाँ जनरेट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और ये जो बल्ब है इसमें जो वार कोड है इसमें आपका हेलो हाइड हो चुका है। अब जो किसी भी पर्सन के आप इसको भेजेंगे तो वो जैसे ही इसको स्कैन करेंगे तो वो बहुत ही ईजिली उसको रीड कर सकता है। और आपके और जिनके भी भेजिएगा उन दोनों के बीच में इसको कोई भी रीड नहीं कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको किसी के पर्सन के भी साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इतने सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, यहाँ से जाके आप किसी को भी शेयर कर। इसके अलावा फाइल को सेव करने के लिए ये बीच वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, PNG, JPEG, WEP। तो यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट में आप इसको जो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको फाइल का नाम भी दे सकते हैं, आपको जो भी नाम डालना है तो यहाँ से आप इस फाइल को नाम दे सकते हैं और जो भी फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाहते हैं उसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैं PNG ही रहने देता हूँ और सेव वाले पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए सेव हो चुका है। इसको देखने के लिए कि ये सेव हुआ है या नहीं थ्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। तो इस तरीके से अपना वायर कोड को कोई भी लुक में डिजाइन कर सकते हैं। अब जो आप इसको अगर चाहते हैं कि हम गैलरी में सेव करें तो सिंपली क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है एक बार और यहाँ पर देखिए इतने सारे फॉर्मेट आ चुका है। आप यहाँ से इसको व्यू करके बड़ा करके देख सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं यहाँ से भी आप, और यहाँ पर आप जो है इसको गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप जो कोई फॉर्मेट में आप जो इसको कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद यहाँ पर सिंपली मैं कुछ और बता देता हूँ। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट में अपना वायर कोड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं वाईफाई वाला चूज कर लेता हूं, मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहां पर देखिए वाईफाई का सिलेक्ट हो चुका है और मैं यहां पर लिख देता हूं हाई। तो इस तरीके से यहां पर लिखेंगे और यहां पर जो आपको ऑप्शन मिल जाता है जनरेट का, जनरेट पर क्लिक करके आप इसको जनरेट कर सकते हैं वायर कोड में। इसके अलावा यहाँ TT है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आप टेक्स्ट में भी इसको आप लिख सकते हैं, URL में भी आप वायर कोड बना सकते हैं, ईमेल, फोन नंबर, SMS, कॉन्टैक्ट और जियो लोकेशन, वाईफाई में भी आप अपना वायर कोड को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वाईफाई का जो है वायर कोड बनाना है तो वाईफाई वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो भी है पासवर्ड और वाईफाई का नंबर वो डाल के आप बहुत ही ईजिली आपको आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप जो है अगर ईमेल आईडी को बनाना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, जो भी ईमेल आईडी है वो डाल के बना सकते हैं। आपको जो ऊपर में देख रहे हैं वाईफाई उसमें आपको जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे अगर फ़ोन नंबर डालना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर डाल के भी बना सकते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ पे जनरेट वह है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वायर कोड है यहाँ पे जनरेट हो चुका है इसके अंदर, यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर वाले पर जाके यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें भी आपको जिसको भी करना है यहाँ से कर सकते हैं या इसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर अपना फाइल का जो भी नाम डालना है अपना नाम डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ सिंपली सेव करके दिखा देता हूँ, सेव वाले पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए सेव हो चुका है। इसको देखने के लिए आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये सेव हो चुका है। इसको अगर आपको डिलीट करना है या अपने गैलरी में सेव करना है तो इस पे क्लिक करेंगे एक बार और यहाँ पे जो है सेव का ऑप्शन है गैलरी, इसके बाद शेयर है, डिलीट है, व्यू है। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए कि ये सेव हो चुका है। सो इस तरीके से आप अपना वायर कोड को कोई भी लुक में डिजाइन कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।
सो आज आपने जाना कि किस तरीके से हम वार कोड को बनाएंगे, उसको किस तरीके से स्कैन करेंगे और उसमें जो भी नंबर आप ऐड करके भेजते हैं वो पर्सन वहां पर स्कैन करके बहुत ही इजी तरीके से उसको देख सकता है, रीड कर सकता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।